ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं WWE से जुड़ी कुछ बड़े इंटरेस्टिंग और मेजर अपडेट्स के बारे में, जहां बात करेंगे कि सेथ रॉलिंस ने कंफर्म कर दिया कि वो उतरने वाले हैं रॉयल रंबल में। इसके अलावा AEW वर्सेस WWE के बारे में एक और बड़ा रिटर्न जो कि हमें देखने को मिलने वाला है मंडे नाइट रॉ पर। साथ साथ एक बड़ा मैच स्टिपुलेशन के साथ कंफर्म हो गया नेक्स्ट शो के एपिसोड के लिए और एक और नया सिंगल्स मैच। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं WWE वर्सेस ऑल इलीट रेसलिंग AEW के बारे में। पिछली काफी सारे वीडियोस में आपको AEW के बारे में बता चुका हूँ कैसे इनकमिंग टाइम वो WWE को काफी तगड़ा वाला चैलेंज देने वाले। तो यहाँ पर एक और नई अपडेट सामने आई है AEW को लेकर, और यहाँ पर जो सोर्सेस अपडेट आई है वो ये कि AEW अपने लोगों को, अपने रेसलर्स को, अपने आप लोग कह सकते हैं टैलेंट को ऐसा ऑफर कर रही है जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं WWE से। मतलब कि AEW के जो ऑफर्स हैं, फिर चाहे मनी की बात करें या फिर हर वो चीज़ की, वो कहीं ना कहीं लेवल पर हैं WWE के। जैसे लेवल WWE का है वैसे ही ऑफर सुपरस्टार्स को मिल जाएंगे AEW में। मतलब कि यहाँ पर देखने में पता चल रहा है कि शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहा है AEW पर, और वो लगभग बराबरी करना चाहती है WWE की, जिससे कि जो सुपरस्टार्स हैं उनको ज़्यादा पैसे अगर मिल जाए तो वो AEW में काम करने के लिए भी तैयार हो जाए। तो देखकर लग रहा है यहाँ पर पूरी स्ट्रेटेजी के साथ AEW आई है, और देखते हैं इनकमिंग टाइम जब ये कंपनी पूरी तरह से शुरू हो जाती है, जब ये शो पूरा शुरू हो जाता है, तो कितना तगड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है प्रो रेसलिंग की दुनिया में। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है अगली रॉक एपिसोड में होने वाले एक मैच से, एक टाइटल मैच जिसमें एक बड़ी स्टिपुलेशन डाल दी गई है। तो मैं आपको जैसे कि पहले बता चुका था कि हमें बॉबी रूड एंड चैड गेवल वर्सेस द रिवाइवल के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलेगा रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो यहां पर एक नई स्टिपुलेशन डाल दी गई है और अब ये होने वाला है एक लंबर जैक मैच जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं एक और सिंगल्स मैच WWE ने रॉ के एपिसोड के लिए कंफर्म कर दिया है, और ये मैच हमें देखने को मिलेगा एलायस वर्सेस बैरन कॉर्बिन के बीच। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे उनका मैच रॉयल रंबल में क्या होगा, क्या फिर से डीन एम्ब्रोस से लड़ेंगे, कोई नया सुपरस्टार आकर उन्हें चैलेंज करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन आपको बता दूं, अब आपको ज्यादा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑफिशियली सेथ रॉलिंस ने यह बात कंफर्म कर दी कि वो एंटर करने जा रहे हैं रॉयल रंबल में। क्योंकि रिसेंटली जो रॉ का लाइव इवेंट हुआ था कोलंबस में, वहां पर उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया कि ऑफिशियली उनकी एंट्री हो चुकी है रॉयल रंबल में। तो इसका मतलब कि हमें रॉयल रंबल मैच में सेथ रॉलिंस धूम मचाते हुए दिखाई देंगे। और जो कह सकते हैं, जो रूमर्स आ रहे थे कि शायद मेन इवेंट कर सकते हैं रेसलमेनिया 35 में, या फिर ब्रॉक लेसनर के साथ वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं उसकी तरफ यहाँ पर हम इसे एक प्रोसेस मान सकते हैं अगर रॉयल रंबल में जीते हैं सेथ रॉलिंस। अब बढ़ते अपनी मेन अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ी है एक और बड़े रिटर्न से जो कि हमें नेक्स्ट शो के एपिसोड में देखने को मिलेगा। आप लोग जानते हैं नेक्स्ट शो कितनी ज़्यादा धमाकेदार होगी, वहाँ ब्रॉक लेसनर होंगे, वहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन होंगे, वहाँ पर जॉन सीना होंगे, ज़बरदस्त मैचेस, तगड़ी स्टिपुलेशन। तो यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ कन्फर्म हो गई नेक्स्ट शो के एपिसोड के लिए, और वो ये द लेजेंड हल्क होगन हमें देखने को मिलने वाले हैं नेक्स्ट शो के एपिसोड में। और आप लोग सोचेंगे होगन वहाँ पर क्या करने आएंगे, तो वहाँ पर वो एक तरह से ऑनर करने आएंगे मीन जीन ओकरलैंड को। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि WWE के ये बड़े लेजेंड अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो वहाँ पर हल्क होगन इन्हीं को ऑनर करने के लिए आने वाले हैं। तो यहाँ पर हल्क होगन को भी नेक्स्ट शो के एपिसोड में देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस आज की वीडियो ये तक थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक की बिना तो कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि सेथ रॉलिंस के रॉयल रंबल में एंटर करने को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, और नेक्स्ट रॉ के एपिसोड के लिए आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।